आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। और सबसे पहले बात यूपी की। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की जंग अब जारी है। गठबंधन को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी जहां आमने सामने हैं, वहीं बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि कहीं कोई विवाद नहीं है, वो बीजेपी के साथ है, ये भी कहा है। तो वहीं अखिलेश ने सवाल पूछा, एनडीए ने अपने साथियों को आखिर क्यों छोड़ दिया। एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय निषाद का कहना है कि विपक्ष गठबंधन टूटने की अफवाह फैला रहा है। संजय निषाद का कहना है कि जीत जरूरी है, सीट नहीं। हम बीजेपी के साथ हमेशा रहेंगे। बीजेपी ने निषादों के आरक्षण समेत कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर, लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, बिक गए, बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम ये ट्वीट कर रहे हैं कि हम, मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं, जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रही और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। अखिलेश यादव ने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी अगर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को सीट नहीं देने पर सवाल पूछ रही है तो बताए उसने अपने सहयोगी दल के साथ क्या किया, उन्हें टिकट क्यों नहीं दी। कांग्रेस के साथ हमारी जो रणनीति है उसकी झलक इन चुनावों के साथ 2027 के चुनावों में भी दिखाई देगी। वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि यूपी में कांग्रेस 5 उन सीट पर लड़ना चाहती थी जहां से समाजवादी पार्टी हार गई थी, लेकिन कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर अब सभी 9 सीटों पर एसपी को जिताने का काम करेगी। निश्चित तौर से 5 सीटें मांग की थी, उससे मैं बिल्कुल कायम हूं, पर जो परिस्थितियां बनी प्रदेश के अंदर, जिस तरीके का जंगल राज, जिस तरीके के पूरे प्रदेश के अंदर एक दंगे का माहौल, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चाहे वो अमेठी के अंदर हो, चाहे वो जौनपुर में हो, पूरी तरीके से ये सब निर्णय लेते हुए, ये निर्णय लिया गया देखते हुए कि हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और इस जंगल राज को खत्म। मेरठ पहुंचे कैबिनेट मंत्री। बुरहानपुर में नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ में राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल के कैरियर पर बैठकर कांग्रेस सिसक रही है। कैरियर पर बैठकर के सिसक रहे हैं कि करें तो क्या करें, मतलब राष्ट्रीय पार्टी और 9 सीटों पर चुनाव, एक भी सीट लेने के उम्मीदवारी नहीं कर पाए, ये तो राजनीति में आश्चर्यचकित रिजल्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब उनका है, वो भाई न लड़े तो हम लोग का जबरी तरह लड़ाएंगे कांग्रेस वालों को। ये 19 में भी सरकार बना रहे थे, 22 में भी बना रहे थे, 24 में भी बना रहे थे और 27 में भी बनाने की कोशिश में हैं। न नवमन गेहूँ हुई न राधे गौने जी। उपचुनाव के दंगल में अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। 13 नवंबर को यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर वोटिंग होगी, वहीं 23 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। अब देखना ये है कि विधानसभा की इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन का स्कोर क्या रहता है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में चुनावी घमासान जारी है, एक तरफ नामांकन का दौर है तो वहीं सीट शेयरिंग पर अभी भी मंथन जारी है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में 15 सीटों पर पेच फंसा हुआ है तो महायुति में भी 10 सीटों पर बात नहीं बन रही है। बैठकों का दौर जारी है तो दोनों ही गठबंधन दावा कर रहे हैं कि सीट पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा। देखिए, महाराष्ट्र का महाचुनावी दंगल शुरू हो चुका है। आज मुंबई से लेकर नागपुर तक दिग्गजों ने नामांकन किया। नामांकन करने वालों में देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नामांकन से पहले फडणवीस ने नागपुर में रोड शो किया। फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं और फिलहाल महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम है।
नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर कांग्रेस की ओर से प्रफुल्ल गुड्डे फडणवीस को चुनौती देंगे। हालांकि प्रफुल्ल गुड्डे को फडणवीस 2014 के विधानसभा चुनाव में हरा चुके हैं। देखिए, ये सही है कि मेरा छठवां चुनाव है, लेकिन जैसे पिछले 5 चुनाव में मेरे साथ जनता का भी आशीर्वाद था, माताजी का भी आशीर्वाद था, ऐसे ही इस समय भी वो आशीर्वाद रहेगा और बहुत अच्छे वोटों से मैं चुन कराऊंगा। मुंबई की वर्ली सीट पर चुनावी बिलासपुर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का सरगना गिरफ्तार, मार्केट निवेश का विज्ञापन देकर 42 लाख की ठगी। सारंगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एसीबी का छापा, एक कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ाया। बिलासपुर में बिना अनुमति बेची गई शासकीय पट्टे की जमीन, कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निरस्त किया पट्टा। कवर्धा में कलेक्टर ने सुनी आदिवासियों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। बिलासपुर में राजस्व के काम में लापरवाही बरतने पर अजीत पवार ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी टिकट दिया है। हालांकि खुद नवाब मलिक अभी तक बेटिकट हैं। नवाब मलिक को लेकर काफी समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि उन्हें पार्टी टिकट देगी या नहीं। नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के बीच काफी समय से सियासी रस्साकशी चल रही है, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि नवाब मलिक को इस बार बीजेपी के दबाव में अजीत पवार टिकट नहीं देंगे। बहुत लोगों ने बहुत सारी राजनीतिक बात की, राजनीतिक मुद्दा उठाया। मैंने मेरा बाप खोया है और मेरे बाप खोने के समय में भी बहुत लोगों ने राजनीति माहौल बनाया, उसका राजनीति गलत तरीके से उपयोग किया, गलत गलत वादे किए, गलत गलत पर्दों में रखा। मैंने बहुत साल कांग्रेस में बिताए हैं, जब से होश संभाला है कांग्रेस में ही था। दुख तो है, कांग्रेस ने हमेशा वैल्यू नहीं किया, मगर ठीक है, इस बार शिवसेना जब वो जान जाएंगे कि शिवसेना बट्टा सही नहीं है तो मुझे लगता है कांग्रेस कार्यकर्ता और भी खुश रहेंगे। हमने राष्ट्रवादी ने मुझे पे भरोसा किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जिसने हमें इस कठिन समय पर सम्मान दिया उसके साथ हम हमेशा रहेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में सीटों पर भी दंगल जारी है। महाविकास अघाड़ी में 15 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। शिवसेना 100 सीटों की मांग कर रही है। अघाड़ी में शामिल कांग्रेस 48, एनसीपी शरद 45 और शिवसेना उद्धव 65 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुके हैं। उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए। लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा, हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में, उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक। उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। महायुति के घटक दलों के बीच में भी कुछ सीटों पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि 11 सीटों पर फैसला बाकी है। हालांकि फडणवीस का कहना है कि सीटों का पेच सुलझा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उपचुनाव के शोर में एक शोर कार्तिकेय सिंह चौहान का भी है। जी हां, बुधनी में चुनाव प्रचार के दौरान कार्तिकेय ने एक बयान दिया था, जिस पर दिग्विजय सिंह ने सलाह दी तो सियासी कलह शुरू हो गई। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दिग्विजय सिंह अपने बेटे और भतीजे को सलाह दें। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में हताशा और निराशा साफ दिखाई दे रही है। बयान पर सलाह, शुरू हुई कलह। अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। कार्तिकीय को नसीहत, गरमाई सियासत, बीजेपी का वार, कांग्रेस का पलटवार। अरे दिग्विजय सिंह, पहले अपने घर में आप इस प्रकार की चीजों को करियो। घमंड और अहंकार बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने निम्न स्तर पर आ चुकी है। एमपी में उपचुनाव का दंगल जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इस बीच शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह के एक बयान पर सियासत शुरू हो गई है।
सबसे पहले आपको कार्तिकेय का वो बयान सुनाते हैं जिस पर बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। अगर 19-20 हुआ किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए, कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। इसी बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कार्तिकेय को सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, कार्तिकेय अभी से इस प्रकार का भाषण ना दो, अपने पिता शिवराज सिंह चौहान से सीखो। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत निर्माण में सहयोग करते हैं। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा लेकिन मैंने इस प्रकार की भाषा का कभी उपयोग नहीं किया, आपके पिता गवाह हैं। पंचायत राज कानून में निर्माण काम करने की जिम्मेदार सरपंच की होती है, न कि विधायक की, और आप तो अभी न सरपंच है और न विधायक, आप मेरे पुत्र नहीं पौत्र समान है, ये मेरी राय है, आप माने ना माने आप जाने। और सचमुच में मेरे लिए तो ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय चाचा साहब मुझे और मेरे बयानों को इतनी नज़दीकी से देखते हैं, इसके लिए उनका आभार। और दूसरी तरफ जहां उनके बयान का सवाल है, जहां कांग्रेस के बयानों का सवाल है, उनके नेताओं के बयानों का सवाल है, वो सब डरने डराने की बातें करते हैं। दिग्विजय सिंह की सलाह पर अब सियासी कलह शुरू हो गई है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा, दिग्विजय सिंह पहले अपने बेटे और भतीजे को शिक्षा दें। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कार्तिकेय का धमकी वाला लहजा बता रहा है कि बीजेपी किस तरीके से हताश और निराश है। देखिए, वो दिग्विजय सिंह जो स्वयं के अपने पुत्र और भतीजे के क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे, हमने देखा कि किस प्रकार से अधिकारियों के साथ सिगरेट के छल्ले उगाते हुए बेहद ही अशोभनीय आचरण करते हुए उनके जो भतीजे हैं वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुए थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सब सदाचरण की सीख दे रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह, पहले अपने घर में आप इस प्रकार की चीजों को करिए। और कार्तिकेय चौहान ने जिस तरीके से जनता को धमकी दी है, कहा कि अगर बुधनी हारे तो एक ईंट नहीं लगेगी, ये घमंड और अहंकार बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने निम्न स्तर पर आ चुकी है। फिलहाल उपचुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच कार्तिकेय के बयान पर तकरार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी घटनाओं ने दहला दिया जम्मू कश्मीर को। पिछले कुछ दिनों में 4 आतंकी हमले हुए हैं। कल हुए आतंकी हमले में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। आतंकी गैर कश्मीरियों को भी निशाना बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण चुनाव से आतंकी बौखला गए, सेना आतंकियों के फुल एंड फाइनल में जुटी है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के गुलमर्ग में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि सेना की मदद करने वाले 2 पोर्टरों को भी इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी। सेना के मुताबिक 24 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे आतंकियों ने बोटा पथरी में सेना की गाड़ी पर हमला किया। आतंकियों के हमले में एक सुरंग निर्माण कंपनी के 7 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिसमें 5 गैर कश्मीरी शामिल थे। जब ये खबर हमने सुनी कि एक गरीब मुश्ताक अहमद चौधरी, जो कि होंडी नौशहरा का रहने वाला है, इसकी मौत वाका हो गई है, ये अफसोसनाक एक बात है, क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुजुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगा वो 3 साल का बच्चा, कि अब तो हद हो गई। जाहिर है कश्मीर में हमलों की इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा बल को नए सिरे की रणनीति बनानी होगी। कुछ ऐसी ही रणनीति जो विधानसभा चुनाव के दौरान बनाई गई थी, और पूरा विधानसभा चुनाव बिना किसी वारदात के शांति से पूरा हो गया। कश्मीर में जवानों की शहादत पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है और जल्द ही बलिदान का बदला लेने की बात कही है। हालांकि इन हमलों पर सियासी शोर भी होने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन हमलों के बाद एक बार फिर पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का,
मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूँ, और बेगुनाह मारे जाते हैं, और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं, तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। कि आतंकवादियों को साफ साफ लगता है कि अब हमारी सुविधाजनक सरकार आ गई है, इसलिए डेली घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार की उदासीनता स्टार्टिंग से शुरू हो गई है, ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन केंद्र सरकार है, अपने अपने अच्छे कदम उठाकर उनकी सुरक्षा का काम कर रही है। बहुत दुख है क्या, ये जवान जो अपनी जान पर खेलकर वहां के जम्मू कश्मीर के आवाम को बचाने का काम करते हैं, मैं इनको सत नमन करता हूँ। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग, आर्मी के लोग बड़े पैमाने पर शहीद हो रहे हैं, उनकी जाने गई हैं। और अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो सबसे ज्यादा फेलियर कश्मीर इशू पर, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर और इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर कोई फेल हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंटरनल सिक्योरिटी में फेल है। लगातार वैश्विक मंचों पर आतंकवाद से जितना भी पाकिस्तान पल्ला झाड़ने की बातें करता रहा हो, लेकिन पूरी फसाद के जड़ में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ही वहां काम कर रहे हैं। और ऐसे में भारत सरकार को भी एक अचूक रणनीति पर काम करना चाहिए। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन हाल में हुई आतंकी वारदातों ने सुरक्षा बलों की चुनौतियां तो बढ़ा ही दी हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बाद अब मौका है बदला का, शहीदों की शहादत का बदला। उत्तरकाशी में एक मस्जिद को लेकर विवाद अब शुरू हो चुका है, कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आरोप है कि यह मस्जिद अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाया गया है। लोग मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तरकाशी में हालात तनावपूर्ण हैं, आज भी उत्तरकाशी के बाजार बंद रहे। उत्तरकाशी में संझौली जैसा बवाल, उन्होंने पत्थर फेंके, पत्थर माल महाराज जी के वहां सर पे लगा, महाराज जी जैसे ही नीचे झुके वैसे ही वहां से ऊपर से पत्थर फेंकना शुरू हुआ। मस्जिद पर भड़की आक्रोश की आग, ऊपर से जो है कि ऊपर से इन्होंने फेंके जो जो मुस्लिम थे। लाठी चार्ज के विरोध में उत्तरकाशी बंद। हालात तनावपूर्ण, धारा 163 लागू। 5-6 प्रदर्शनकारी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं और हमारे 7-8 जिसके जो जवान अधिकारी हैं उनको भी चोट आई। हंगामा, विरोध प्रदर्शन, बवाल और लाठीचार्ज, ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां एक मस्जिद के खिलाफ आक्रोश की ऐसी आग भड़की कि पुलिस प्रशासन के लिए लोगों को काबू करना मुश्किल हो गया। मेरे ख्याल से जब से मेरी जितनी उम्र हो गई है हमने आज तक कभी ऐसा माहौल देखा नहीं उत्तरकाशी में, या ऐसा डर का माहौल हमने उत्तरकाशी में नहीं देखा। कल हुए बवाल के बाद आज उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय समेत आसपास के सभी बाजार बंद है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आज मुस्लिम समाज के लोगों ने भी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने की बजाय घरों पर ही नमाज पढ़ी। मस्जिद को लेकर हुए बवाल के बाद उत्तरकाशी में हालात काफी तनावपूर्ण है। पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी गई, जिसके तहत जिले में 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इन्होंने वो रूट छोड़ करके ये कोशिश की कि दूसरे रूट से जाएं, तो वहां पर रोकने की कोशिश में थोड़ी धक्का मुक्की हुई, उसके बाद फिर उन्होंने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वालों को चोट भी आई है। फिर हम लोगों ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको दूसरे रास्ते से डाइवर्ट कर दिया। नए रूट में आए और सिंगल चौक के पास हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, क्योंकि उस रूट से आगे इनको अनुमति नहीं थी, इनका रूट अलग था। तो बैरिकेडिंग में इन लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। तो उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर ये स्थिति है कि इनके बीच में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, पत्थर भी उसमें पड़े
और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़ा। कल उत्तरकाशी में उस वक्त हंगामा भड़क उठा जब हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली। हिंदू संगठनों ने मस्जिद गिराने की मांग को लेकर हनुमान चौक पर रैली निकाली और जय श्री राम के नारे लगाए। जन आक्रोश रैली का आयोजन संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल के बैनर तले किया गया। कुछ दिनों पहले हिमाचल प्रदेश के शिमला में संझौली की एक मस्जिद को लेकर भी ऐसा ही विवाद हुआ। सिर्फ एक फेलियर के कारण पूरा जो धरना प्रदर्शन था ये आक्रोश में बदल गया और जगह जगह आक्रोश देखा जा रहा है। और बात बंगाल की करेंगे। बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना उड़ीसा तट से टकरा गया है। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ीसा के धामरा में तट से टकराया और तूफान के असर से धामरा में बहुत ही तेज बारिश हो रही है। किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। समंदर से उठती हाहाकारी लहरें। तबाही मचाने को आमादा चक्रवाती हवाएं। दाना आया दहशत लाया। ये कुदरत के उस मिजाज की तस्वीरें हैं जहां किसी का बस नहीं चलता। दाना साइक्लोन की सनसनाती हवाएं और उन हवाओं के प्रभाव से उठती समंदर में लहरें तस्दीक कर रही हैं कि चक्रवाती तूफान के टकराने की ताकत क्या होती है। बंगाल की खाड़ी में बने इस प्रचंड तूफान से निपटने की तैयारियां तो बड़ी थी, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे कोई तैयारी काम नहीं आती। और ऐसा ही कुछ दाना नाम के चक्रवाती तूफान ने भी कर दिखाया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये तूफान ओडिशा के तट से टकराया तो दिल दहला देने वाली तस्वीरों से लोगों का सामना हुआ। रात को 11-12 बजे के आसपास दाना जो है वो अपना कहर दिखाना शुरू किया और जो लैंडफॉल है वो लैंडफॉल भीतरकर्णिका और धामरा के बीच में हुआ है। वहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही थी और उसके साथ काफ़ी बारिश हो रहा था। न सिर्फ ये जगह भद्रक, केंद्रपारा, धामरा, पूरी में भी बारिश हुआ। दाना तूफान की चक्रवाती हवाओं और भारी बारिश का असर ये हुआ कि केंद्रपारा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें डूब गई। केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश ने बड़ी तबाही के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि तेज बारिश और तूफान ने भद्रक में जबरदस्त तबाही मचाई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अब ये तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तबाही और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ता जाएगा। चक्रवाती तूफान दाना का असर अब कोलकाता पर भी दिखने लगा है। ये तूफान कल देर रात उड़ीसा के भद्रक के पास जमीन से टकराया, जिसके बाद आगे बढ़ते हुए अब कोलकाता में इसका असर देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी बारिश रह रहकर हो रही है। दाना तूफान के असर की कहानी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसकी प्रचंड ताकत का असर कई राज्यों पर पड़ने वाला है। दावा किया जा रहा है कि दाना तूफान का सबसे भयानक असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक दाना तूफान के एक एक पड़ाव पर अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि भले ही कुदरत की आपदा से तबाही को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस तबाही के असर को कम जरूर किया जा सकता है। और इसी कोशिश में पूरा प्रशासनिक अमला पल पल की मॉनिटरिंग कर रहा है।
और इसी के साथ ही खबर असरदार में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।